वेलकम टू माय चैनल। सो जो लोग फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया, और जो लोग मेरे पहले से बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं उनके लिए वेलकम टू अगेन। और आपको पता ही चल गया कि आज हम क्या ही करने वाले हैं, और मेरी एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी नथ वाली, तो मैं उनकी भी ये डिमांड पूरी करने वाली हूँ इस लुक में। तो एंड तक बने रहना, बहुत अच्छा सा मैं आपको साथ में एक लुक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ईजी वीजी वाला। आप खुद बोलोगे यार छटपट से हो गया, पता ही नहीं चला। एंड इसके साथ मैं आपको बताऊं, मैं इस टाइम मैंने तो वेस्टर्न वेयर कर रखी है, एक मिडी टाइप की। और आप इस टाइम पे कोई भी अगर दिवाली वगैरह पे वेस्टर्न नहीं पहनना चाहते हो, ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा इंडियन पहनते हैं, तो आप वो भी वेयर कर सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको ट्यूटोरियल स्टार्ट करती हूँ और वीडियो को बिल्कुल लॉन्ग नहीं करती। तो मैंने स्किन केयर पहले ऑलरेडी करके रखा है, तो आप कर सकते हो, बाकी आप मॉइस्चराइजर वगैरह लगा सकते हो, उसके बाद में हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर दे, नो बकबक। सो इस टाइम में मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर आप अपने अराउंड योर नोज लगा सकते हो, फुल फेस पर भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। बाकी मैं आपको प्रोडक्ट के सारे लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। और फुल फेस पे भी मैं इस टाइम में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि प्राइमर के बाद ना बहुत अच्छा सा लुक आता है। और दिवाली के टाइम भी क्या होता है कि हम बहुत सारे दिए वगैरह भी जला रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा मेकअप जो होता है ना गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाता है, बट उस टाइम तक तो थोड़ा सर्दी होती है तो हो जाता है। बट प्राइमर से बेस भी बहुत अच्छा आता है, तो मैंने सोचा वाई नॉट आज हम फुल फेस पे प्राइमर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस टाइम में प्राइमर लगा लिया है। देखो बीच में यार वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि उससे ना आपकी बहुत सारी नॉलेज आप तक नहीं जाएगी। एक आप अच्छा मेकअप सीखना चाहते हो ना, प्रॉपर वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो। सो इसको मैं अच्छे से सेट होने देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो तो बच के अपने डार्क सर्कल्स हैं, इनको हाइड करना यार बनता है। तो मैं तो हाइड करती हूँ, तो मैं इस टाइम में प्रोडक्ट दिखा दिया है आपको, ये यूज़ कर रही हूँ। और आज मैं थोड़ा सा कलर करेक्टर अपनी आँखों के ऊपर भी कर दे रही हूँ आईलिड पे, क्योंकि आई थिंक मेरे को ना बहुत डार्क सर्कल होते हैं। एक तो शेड्यूल मेरा इतना बुरा है, इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती है। अभी ना गाइस आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी बाहर की, तो मैं आपको वॉइस ओवर देने वाली हूँ ताकि आप भी इरीटेट ना हो, ठीक है। इस तरीके से मेरा फिंगर की हेल्प से लगा लिया बहुत हल्का सा। सो मैं यहाँ पर आप फुल फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। एक साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हैवी बेस आप अगर रखना चाहते हो तो हैवी थोड़ा सा फाउंडेशन की लेयर रख सकते हो, अगर नेचुरल रखना चाहते हो तो आप बहुत हल्का हल्का सा फाउंडेशन अपने फेस पे लगा सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे कोई भी कंसीलर वगैरह नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने कलर करेक्टर के ऊपर फाउंडेशन ही यूज़ कर दिया। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा कलर करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगा के अच्छे से कवरेज दे सकते हो, बट हमें दिवाली पे इतना टाइम नहीं मिलता, और फेस्टिव्स में अगर कहीं जा भी रहे ना तब भी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पूरा प्रॉपर पूरा स्टेप्स कर पाए। तो आप इस तरीके से फाउंडेशन लगाओगे बहुत नेचुरल सा बेस लगेगा, जैसे मैं साइड पर आपको दिखा रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से फुल फेस पे लगा लिया। देन आपको नेक पे भी कवर अप करना है जैसे आप फेस पे कर रहे हो, जितना आपका पार्ट खुला होगा ना आसपास फेस के अराउंड, तो आप उस पर अच्छे से फाउंडेशन से ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लियर करो, देन मतलब ब्लेंड करो। उसके बाद मैं बेकिंग पाउडर से सेट कर रही हूँ बहुत आराम से। इस टाइप पे आप बेकिंग पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ, आप उस तरीके से कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने आईलिड पे काम करने जा रही हूँ। आईलिड पे मैं ना बहुत ईजी सा मेकअप करने जा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से और लेना है ब्लू। मैंने यहाँ पर ब्लू आई शेडो लिया, ठीक है। देन आपको मैं इस टाइम पर अच्छे से इसमें ब्लेंड कर रही हूँ अपने आई पे। आप देख रहे हो लाइनर की तरह शेप देनी है आपको, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हम इसको, फिर बाद में स्मच आउट कर देंगे बहुत अच्छे से। बहुत इजी वाला मेकअप है गाइस, बहुत आराम से कर लोगे आप। इसी तरीके से आउटर कॉर्नर को धीरे धीरे से आपको ऊपर ले जाना है, हल्के हल्के सा इसको आराम से, ठीक। इस तरीके से करके देन
फिंगर के हेल्प से इसको इस तरीके से स्मच आउट कर दो जल्दी से। कोई भी आप हर आउटर फ्रेंड है ना, उस कलर का आई शेडो लगाओ और इस तरीके से स्मच आउट कर दो। ओके गुड, सेम इस पर मैं करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप देख चुके हो मैंने ओवरऑल फुल आई पे जैसे ब्लू लाइनर लगाया। तो आप इसमें मैंने बताया कि जैसे कि कोई भी आउटफिट पहन हो उसके हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पिंक सॉरी ब्लू और वाइट में आउटफिट पहन रखा है। तो मैंने क्या किया, वाइट कलर का हल्का सा शिमर लिया और फुल आई पे लगा दिया। तो अगर आपका कुछ आउटफिट से मिक्स मैच कोई भी शिमर है आपके पास में तो आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आप दिखाया मैंने आपको फिंगर की हेल्प से मैंने फुल आई पे लगा दिया, देन मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आराम से लगा के इस तरीके से आप ग्लिटर ले सकते हो, जो मोटा वाला ग्लिटर होता है उसको मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ मिडिल में। ओ माय गॉड, इसको लगाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अब तो चल रहे गई पार्टी में, बट मुझे तो जाना नहीं था। लेकिन आप इस तरीके से करके जाओगे ना आप इतना प्यारा लगने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगोगे। सो इस तरीके से लगा के जो हमने ब्लू कलर का अपना आई शेडो लगाया है इसको डार्क करना है। अब इसको लगाने के बाद में इसको जितना आप डार्क कर लोगे बहुत प्यारा लगेगा। इसको डार्क करने के बाद में मैंने यहाँ पर लगाया है मस्कारा, ठीक है। मस्कारा मैं एक्स्ट्रा कोटिंग कर रही हूँ दो बार से, क्योंकि क्या है मैं आईलैशेस वगैरह नहीं लगा रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो आईलैशेस लेंस जो भी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप वाटर लाइन पर मस्कारा लगा के अच्छे से इस तरीके से आई शेडो लगाओगे ना तो वो और लुक अच्छा कर देगा। तो यहाँ पे बहुत ब्लू ब्लू वाइट वाइट हो रहा था तो मैंने एक कलर कुछ अलग लिया। मैंने यहाँ पे पिंक और ब्राउन को मिक्स करके वाटर लाइन लो लेस लाइन के अच्छे से मैंने आई शेडो को लगाया, देन इनर कॉर्नर पर वाइट हाइलाइटर लगा दिया। वाइट हाइलाइटर लगा के ब्रू बोन के नीचे अच्छे से हाइलाइटर लगाया और इसके बाद मैंने ब्लश लगाया पिंकी पिंकी अपना। और ब्लश लगाने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसको कर रही हूँ ब्लेंड और मैं अराउंड माई नोज़ पूरा लगा रही हूँ इसको। फुल फेस पे हल्का हल्का ब्लश कर रही हूँ, कोई भी मेरा ये नहीं पर्टिकुलर चिक्स भी करना है। देन मैंने यहाँ पर ब्राउनिंग करनी स्टार्ट की है, तो यू नो कि मैं अपने चिन्स पर बहुत ध्यान से करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चिन पे अच्छे से करने के बाद नोज़ हल्की सी ब्राउनिंग की है नोज़ पर, देन मैंने हाइलाइटर लगाकर फुल फेस पे एक ग्लोइंग ग्लोइंग सा मेकअप करा है। फाइनल मैं यहाँ पे आप लिपस्टिक लगाऊंगी, लिपस्टिक आप देखना कि मैं क्या लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक के अराउंड भी हाइलाइटर लगा दिया अच्छे से, ठीक है। तो फाइनल लिपस्टिक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्राउन, पर ब्राउन लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत न्यूड लग रहा था, और लेकिन लग तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन आप फेस्टिव पे थोड़ा सा चटक बटक जाते हो। तो मैंने क्या किया, हल्का सा ब्लड लिपस्टिक लिया और उसमें मिक्स कर दिया, तो आप शेड देख रहे हो बहुत प्यारा सा आया। तो इस तरीके से आप कोई भी लुक कर सकते हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आगे वीडियो पूरी देखना। सो गाइज, आप देख ही चुके हो ये लुक। तो मैंने यहाँ पर बड़े से इयर रिंग वेयर कर रखे हैं। तो ये वैसे तो वेस्टर्न ड्रेस है, वैसे तो वेस्टर्न ड्रेस है, लेकिन मैंने दुपट्टा डाल के लिए आपको इंडियन कर दी। आप चाहे फेस्टिव में कहीं भी हर पार्टी में करके चले जाओ मेकअप, या आराम से आप पता है दिवाली पे बहुत आराम से करोगे ईजिली सा। देखो आई मेकअप आप पूरा देख चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने काजल ऐड कर लिया है, लिपस्टिक आप देख रहे हो अपनी चॉइस से, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी बहुत प्यारा लगने वाला। एंड मेरी एक सब्सक्राइबर थी, सो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट पे कि उन्होंने को उनको ना नथ बहुत पसंद है, अंजलि। सो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये नथ भी वेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरे बिना नथ बिल्कुल नहीं जाती है, बट आपकी वजह से मैं ये नथ ढूंढ डाल के लेके आई हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये लुक, और मैं जल्दी जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ नथ में आ रहा है, मैं बता रही हूँ ना मेरे को नथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी फाइनल लुक आप देख ही सकते हो इस तरीके से। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ध्यान से यार अब हम नई और भी अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।